अंडर द एसेट यू कैन गो टू द एसे आपका एसेट uh, रिजल्ट वाला सेक्शन है उसमें uh, थोड़ा छोटा करना होगा में सो एसेट रिजल्ट वाले में जाके द मोमेंट टू ओपन दिस होम पे जहां से आपने अपना रिजल्ट चेक किया होगा वहां पे फॉर एडमिशन डिटेल्स देर इज दिस लिंक सो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक

When we pay 2000 is for the renewal, that you have to pay every year to the institute, that's the renewal membership. Every year, you have to renew your membership renewed and up 2000 pay 2000 which you have to pay by 31st March of every year. This year, since you are taking the membership now, you will not have to pay the 2000. So that is what they have mentioned. That if you take the membership between 1st April to 30th uh, September. ये हमारा सिचुएशन नहीं है हमारा सिचुएशन दूसरा है सेकंड केस वाला तो इन्होंने दो सिचुएशंस एक्सप्लेन किए दैट स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन बिटवीन फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी सितंबर विल पे द टोटल फीस ऑफ फोर थाउजेंड एप्लीकेबल फॉर द सेम फिनेंशियल ईयर एंड इट विल बी वैलिड अप अपटिल दैट पर्टिकुलर मार्च तो ये हमारा केस नहीं है हमारा सेकेंड केस है जहाँ पे हम पे करें बिटवीन फर्स्ट अक्टूबर टू थर्टी मार्च मतलब फर्स्ट अक्टूबर लास्ट ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ दिस ईयर इसके बीच में जो एडमिशन लेता है उन स्टूडेंट्स को वी डो नॉट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब हमें इस ईयर का मार्च में नहीं पे करना पड़ेगा जब टू थाउजेंड सब बाकी लोग को पे करना है ये आपको एक ध्यान में रखना है विच इज नॉट ड्यू फॉर यू अगेन अगर आपको कुछ डाउट आता है आप आई ए आई में लॉग इन करके लेटर ऑन अपना फीस ड्यू वाला पोर्शन चेक कर सकते हो दैट वील एक्सप्लेन सो नॉट मुविंग इन टू ऑल दिस नाउ बट द मेंबरशिप फीस इज फोर थाउजेंड विच इज नॉन रिफंडेबल सो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखना है बर्थ सर्टिफिकेट सो इफ यू हैव अ पैन कार्ड वेरी गुड इफ यू हैव अ पासपोर्ट वेरी गुड और बर्थ सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है देन वी हैव द फोटो आई डी प्रूफो आई यू नीड अगेन पैन कार्ड और अधार कार्ड एवरी वन हैज अधार कार्ड

आपके पास जीरोक्स होना चाहिए 12 के मार्कशीट का जीरोक्स होना चाहिए एंड इन दोनों का आपको अगेन यू हैव टू साइन एंड यू हैव टू द डेट सो सेवरिज सर्टिफिकेट और यू हैव अम चेंज डॉक्यूमेंट तभी डर लगेगा वना इट्स नॉट नेसेसरी सो दीज आर द फोर डॉक्यूमेंट यू नीड टू कीप रेडी विथ योर सेल्फ ऑल राइट नॉलेज मूव टू द डिटेल्स सो यहाँ पे ये हम लोग कैसे आए आई आई होम पेज बिकम एंड एक्चुअली एसेट रिजल्ट में गए एंड इज द्लेस क्लिक ऑन फॉर एडमिशन डिटेल्स एंड होम पेज ओपनो स्टूडेंट में क्लिक करना है द मोमेंट आई क्लिक ऑन स्टूडेंट मेंबरशिप फॉर्म इसके बाद दिस पर्टिक्युलर पेज विल ओपन अपर यू नीड टू एंटर योर एसेट आई डी तो ये एसेट आई डी आप लोगों को असाइंड होगा आई ए आई डबल ई स्टार्टिंग में ये लिखना है देन अगर आप लोगों ने शायद नवंबर में दिया सो नवंबर डिसम्बर ट्वेंटी फोर आपका एसेट आई होगा एंड सो ये आप लोग को ऑलरेडी असाइंड है राइट यू हैव दिस विथ यू एंड योर डेट ऑफ बर्थ मेक श्योर द डेट ऑफ बर्थ इज इन दिस फॉर्म सो फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन जैन के बदले आपको जे ए एन जैन लिखना है नॉट जीरो वन एंड द योर ठीक है ऐसे आपको इस फॉर्म में लिखना है मेक श्योर इट्स इन द करेक्ट फॉर्म चेक द एग्जाम्पल एंड क्लिक ऑन गेट ओ ये ओटीपी आपकी मेल आई डी वट एवर इज योर रजिस्टर्ड मेल आई डी उधर पे जाएगा एंड वंस यू हैव दिस ओटीपी यू कैन पुट इट ओवर योर एंड लॉग इन लॉग इन करने के बाद आई शो यू फर्स्ट थिंग आपको जो दिखता है सो फर्स्ट थिंग वन सेकेंड क्विकली ये हमने ऑलरेडी देख लिया सो दिस इज द पेज दैट विल ओपन अप यहाँ पे इसके पहले इसके एक्चुअली काफी पहले यू विल सी कि इसके एक स्टेप पहले जब आप वो गेट ओटीपी के बाद ओटीपी डालोगे कंफर्म करोगे तो आपका बेसिक डिटेल्स का पेज खुलेगा जो आपने अपने एसेट में व्हेन यू वर रजिस्टरिंग फॉर एसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैड फिल्ड योर फोटोग्राफ योर नेम

ये चीजें अपलोड करनी होंगी सो दिस इज द पेज दैट विल ओपन अप अपलोड डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक डिटेल्स वो ऑलरेडी फिल्ड होगा उसमें कुछ कुछ चीजें फिल्ड नहीं होंगी और फोन नंबर ई मेल आई डी प्लीज वेरीफाई बिकॉज वंस यू पुट इन यू कैन नॉट चेंज इट लेटर लाइक उसका भी प्रोसेस है सो मेक श्योर यू डू इट करेक्टली एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू अपलोड वॉट ऑल एवरी फोर डॉक्यूमेंट्स जो हमने बोला फोटो आई डी प्रूफ में यू कैन आईडर अपलोड पैन कार्ड और स्कूल आई डी प्रूफ वॉट एवर यू हैव योर डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट अगेन बर्थ सर्टिफिकेट पैन कार्ड आधार कार्ड वॉट एवर जो भी एनी वन सो इफ यू हैव अ पैन कार्ड ग्रेट इफ यू हैव अ पासपोर्ट ग्रेट सो मेक श्योर यू पुटन ओवर योर अदर डॉक्यूमेंट्स में आप इधर पे अगर आपको कुछ डालना है बट नॉट नेसेसरी अगेन दीज फोर आर नेसेसरी तो आपको यहाँ पे टेन एंड ट्वेल्व का रिजल्ट डालना तो तो डालने ही पड़ेंगे ये तीनों आपको डालना ही पड़ेगा उसके साथ अगर आपके पास पैन कार्ड आधार पासपोर्ट एनी वन इसमें से आपको एनी वन एनी वन करना है तो ये तीन तो कम्पल्सरी हो गए आधार कार्ड एंड एनी वन यू नीड टू इन ऑल ऑफ इट मेक श्योर हैव टू फिल एवरीथिंग ऑब्वियसली दे विल नॉट टेक द मनी अगेन बट देन प्रोसेस दोबारा रिपीट करना होगा सो इट्स बेटर यू डू इट प्रॉपरली इन योर फर्स्ट अटेम्प ओनली ये हो गया उसके बाद आई विल क्लिक ऑन दिस कन्फर्म बटन ठीक है द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस कन्फर्म बटन उसके बाद ये एक ओपन होगा पेज जहां पे सब डिटेल्स आपके फीड इन रहेंगे कि आपका जो एड्रेस है ये सब सब आपका करेक्ट है कि नहीं आप वेरीफाई कर लो अगर आप दोबारा वेरीफाई करने के बाद आपको लगता है कि गलत है या कुछ है सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन एडिट डिटेल्स एंड यू एडिट एवरीथिंग ओवर ह्योर ठीक है ये आप कर देना उसके बाद अगर आपका ये परफेक्ट आपको दिख रहा है यू क्लिक ऑन मेक पेमेंट एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन मेक पेमेंट दिस पर्टिक्यूलर पेज विल ओपन अप फॉर पेमेंट जैसे हम नॉर्मली किसी चीज का पेमेंट करते हैं सो यू क्लिक ऑन द फीड इन द डिटेल यू नीड टू डू इट यूजिंग यू पी आई और वट एवर यू वॉन्ट टू मेक द पेमेंट एंड यू गेट द पेमेंट एक्नोलेजमेंट सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस

प्रोसेस है मेंबरशिप का आपका फोर थाउजेंड डेबिट हो जाएगा उसके बाद यू विल गेट दिस कंफर्मेशन सो मेक श्योर दिस कंफर्मेशन यू कीप इट रेडी यू प्रिंटेड आउट और यू सेव द पीडीएफ एंड कीप इट विद योर सेल्फ फॉर फ्यूचर रेफरेंस जस्ट एक्टिंग एज अ प्रूफ कि आपने मेंबरशिप लिया है आपने फोर थाउजेंड पे कर दिया है यू विल गेट अ पेमेंट कन्फर्मेशन ऑन योर ईमेल आई डी आफ्टर दैट इट विल टेक सेवन टू टेन डेज For IIE to confirm your membership, they will go through all the details, they will go through all the documents, and they will confirm. They will give you a mail ki aapka membership confirm hai This is your membership number. So this number जो है ये आपका asset ID है. ये lifetime आप इसको use नहीं करते हो. मुझे भी अपना asset ID याद नहीं है. मुझे अपना membership IIE membership number याद है. So, I use that IIA membership number to log in into the IEI portal. Okay? So, you will get membership number and password obviously you can set whatever you want to. So, that is after 7 to 10 days. So, you will take approximately 2 weeks for the entire process. And this uploading documents and everything will not take more than half an hour. You just need to get it printed out, sign, scan and upload. That's it. अपलोड करो आई थिंक वो रिस्ट्रिक्शन साइज है तो वो फाइल साइज के विदिन ही रहता है यूजली तो वो आपको एंड यू जस्ट नीड टू अपलोड एवरीथिंग सो दिस इज द बेसिक डिटेल ऑफ हाउ टू रजिस्टर फॉर योर टेक द मेम्बरशिप ऑफ योर आई ए आफ्टर यू हैव क्लियर एस इट अंडरस्टूड Basic structure. Now, if you all have any doubts, please put it in the chat box. Please put it in the chat box. Now, once you have taken the membership, what next? What is the next step that I have to take? The next step that I have to take is basically, I'll uh, stop sharing. So, the next step that I will take is obviously the exams will happen in the month of May. एंड शेड्यूल हैज़ ऑलरेडी बीन कम अपड्यूल हम पोस्ट कर देंगे हमारे वेबसाइट्स पर भी एंड आई विल पेस्ट इन द ग्रुप एज वेल सो आई आई इफ यू जस्ट लॉग इन इन टू आई आई दे विल गिव यू द आई आई मे टाइम टेबल इट्स ऑलरेडी देर आप लोगों को मिल जाएगा सो फर्स्ट पेपर मोस्ट ऑफ यू शुड हैव प्लान ऑलरेडी एज योर सी एम वन और सी एस वन जिन्होंने पहला पेपर पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है वेरी गुड जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है यू ऑल कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन राइट अवे सो यू कैन आइडियली यू शुड स्टार्ट विथ सी एम वन बिकॉज अभी आपके पास जनवरी फेबर मार्च अप्रैल फुल फोर मंथ्स है एंड देन मे का आधा सो यू हैव फोर एन अफ मंथ विथ योर सेल्फ सी एम वन इज अ पेपर विच यू कैन फिनिश इन थ्री मंथ्स मैक्सिमम

स्टूडेंट्स जनरली देते हैं एज देयर फर्स्ट पेपर्स इफ नॉट आप सी एस वन भी कर सकते हो ऑल्सो मैम शुड आई गिव टू पेपर्स टूगेदर इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगर आपने एक महीने दो महीने पंद्रह दिन पहले बीस दिन पहले स्टार्ट कर दिया है पढ़ना तो आप इजिली दो पेपर दे सकते हो सी एम वन के साथ या तो आप सी बी वन दे सकते हो या सी बी टू दे सकते हो अगेन सी एस वन के साथ एनी वन यू कैन डू दैट क्योंकि CB1, CB2 वन इज अ पेपर जहां आपको खाली एवरी डे टू आवर्स पुट इन करना है उससे ज्यादा आपको नहीं देना यू कैन इजीली कंप्लीट इट इन टू देन। यू हैव द टाइम फॉर रिवीजन तो टू टू एंड हाफ आवर्स गिवन टू CB1, CB2 एंड रेस्ट योर टाइम ऑफ स्टडी गोज टू CM1 और CS1 क्या हम आज से अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं जनवरी फर्स्ट वीक से अगर हम स्टार्ट करें सीएम पढ़ना सी एस पढ़ना शुड आई टेक अनादर पेपर माई सजेशन इज कि अगर आपको लगता है कि एवरी डे यू कैन टेक आउट दैट सिक्स टू सेवन आवर्स ऑफ स्टडी सेल्फ स्टडी देन यू कैन गो हेड एंड स्टार्ट विथ टू पेपर्स टू आवर्स एवरी डे सी एस वन सी बी वन सी बी टू को दे दिया एंड <clears throat>

टेदर लाइक सी एम वन एंड सी बी वन और सी बी टू एनी वन सी एस वन के साथ भी कोई एक पेपर तो आप दोनों पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो उसके बाद जब आपको रजिस्टर करना है फॉर एग्जाम्पल मे टर्म के लिए अभी नहीं रजिस्टर करना आप अभी खाली मेंबरशिप लोगे जो कि कम्पल्सरी है मेंबरशिप लेना कंपल्सरी है फॉर एनी फर्दर पेपर इन केस ऑफ आई ए तो आप मेंबरशिप अभी ले लो

एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी आप पढ़ते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाता ठीक है सो इवन इफ यू आर स्टडिंग लाइक सी बीवन आपने पढ़ लिया बट आपने उसको रजिस्टर नहीं किया ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो जाएगा सो इफ यू हैव टाइम इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेबर एंड यू फील कि आप उतना दे सकते हो बट मे बी मार्च में नहीं आए उतना टाइम एंड कुछ हो जाता है इवेंट it's fine at least start studying but if you feel no this is my first attempt i will give one paper and from next my second attempt i will be giving two papers together that is also one feeling which you can have in your mind then in that case up cm तब आप फॉर श्योर सी एम वन करो एक पेपर सिंगल करना so है आप सी एम वन करो एंड देन लेटर इन द नवंबर सो मे एंड नवंबर टू डायट्स होते हैं आई ए के तो नवंबर में जब आपका एग्जाम होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अप्योर फॉर सी एस वन एंड उसके साथ में सीबी वन या सी बी टू आप कर सकते हो तो आपको एक फील आ जाएगा ऑलरेडी गिविंग एसेड

एस में एनी वन गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स मीन दैट विल गेट ग्रेट मार्क्स इन योर एक्चुअल पेपर इज वेल यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट इट्स वेरी डिफरेंट तो एक पेपर दे दिया सी एम वन दे दिया फील आ गया कि कैसा एग्जाम सिनारियो है पेपर ए है पेपर बी है वट इज दिचुएशन कैसे अप्रोच करना होता है पेपर को स्टडी पैटर्न क्या है एक्चुअल साइंस का एक बार वो फील आ गया देन फ्रॉम द नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दो दो पेपर दो नो no हार्म ठीक है नो हार्म बट एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट डेफिनेटली गो विद सी एम वन फोर इन अफ मंथ्स इज अ वेरी वेरी गुड ड्यूरेशन इन विच यू कैन ईजिली कंप्लीट एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई आई के केस में क्या होता है कि आई आई के केस में यूजली आप देखोगे कि पेपर ए विच इज अ हंड्रेड मार्क्स थ्योरी पेपर पेपर बी विच इज अ हंड्रेड मार्क्स प्रैक्टिकल एक्सेल और आर प्रोग्रामिंग पेपर इज उस उन दोनों में ना गैप काफी होता है लाइक फाइव सिक्स डेज का मिनिमम आपका गैप होता है In आह uh, your uh, paper A and paper B, तो ये जो gap है ना, this is actually a good thing for you, क्योंकि आपको revise करने में easy हो जाते हैं। So if I quickly आह uh, give you the schedule, um uh, I think I have it. May 24 का schedule, अगर मैं आपलोगों को quickly show कर दूँ इधर। Please put your questions in the chat box if you all have any. Deekho. so your exams are starting from twenty first of May, twenty twenty four. CB one is start so anyone who's planning to give CB one, CB two is on twenty second. Then CS one is on twenty fifth. सो so, अगर कोई सी बी टू सी एस वन दे री एस वन दे रहा है सो यू हैव थ्री डेज ऑफ गैप एंड दिस इज सी एस वन ए सी एस वन बी अगर मैं नीचे जाऊँ ट्वेंटी नाइन्थ को है तो ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी नाइन्थ फोर डेज का गैप है एज आई मैं फोर टू सिक्स डेज का गैप होता है एंड ट्वेंटी को आपका सी एम वन है पेपर ए एंड अगेन थर्टी सो यहाँ पे आपको खाली टू डेज का गैप मिल रहा है सो अगेन टू डेज का गैप इज ऑल्सो गुड थिंग आई एफ द एग्जाम्स आर कंटिन्यूस आज एंड कल वैसा होता है सो सी वन एंड CB1 वन वेरी गुड कॉम्बिनेशन बिकॉज सी वन एकदम स्टार्ट में है ट्वेंटी को एंड देन ट्वेंटी सिक्स सेवन डेज का गैप है एंड देन CM1 है सो अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन बट अगेन सिंस इट विल बी मोस्ट ऑफ

जॉब आशी लेट्स टॉक अबाउट यू आर इन योर कॉलेज ठीक है अभी कॉलेज ऑफ फोर इयर्स तो जिनका भी कॉलेज फोर ईयर्स का है बाइ दी एंड ऑफ फोर्थ इू है यू कैन इजिली गेट अ जॉब आफ्टर दैट मान के चलते हैं, अगर आपका थ्री इयर्स का कोर्स है अगेन आजकल थ्री ईयर्स में भी पीपल आर क्लियोरिंग लाइक सेवन एट पेपर्स सो अगर आपके इतने भी हो गए एंड मिनिमम यू नीड समीस्ट नंबर ऑफ पेपर योर टारगेट शुड बी दैट आई क्लियर माई सी एम सी बी सी एस पेपर्स ये सिक्स पेपर्स मुझे कम्प्लीट करना है इन माई कॉलेज इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इफ यू आर इन योर सेकेंड इफ यू आर स्टार्टेड इन योर थर्ड इो वरीज नॉट एट ऑल अगर आपका सी एम वन सी एस वन भी क्लियर है आपको जॉब मिल सकता है बट अगेन सिंस अभी ऐसा नहीं की डिमांड नहीं है हम असिस्ट करते हैं वी गेव अ प्रॉपर हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट असिस्टेंट सो डोंट वरी अबाउट द जॉब एंड ये बोलना की कितने पेपर्स में लगता है ये बहुत सब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स गेट प्लेस विद्री पेपर्सूडेंट गेट प्लेस्ड विद सिक्स बट येस स्टूडेंट क्लियोरिंग सिक्स सेवन पेपर्स विद ग्रेजुएशन विल डेफिनेटली गेट प्लेस फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट गारंटी एंड स्टूडेंट्स लाइक टू थ्री पेपर्स उनको भी मिलता है बट उनको नो बाई वन पेपर आई मीन सी एम वन इज वन पेपर सी एम टू इज अनदर पेपर देर आर इन टोटल थर्टीन पेपर्स ठीक है so i guess for a starter for वॉट आई फील इज फाइव मंथ इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर सी एस सी एम मन तो आप लोग अपना फर्स्ट पेपर सी एम से डेफिनेटली फॉर श्योर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो एंड मोस्ट ऑफ यू आई नो है नहीं किया है नाउ इज ऑल्सो द करेक्ट टाइम इफ यू स्टार्टेड बाई लेम बाई दिस वीकेंड और फ्राइडे समझ लो आज आपका ट्यूजडे वेन्सडे है सॉरी तो आप आराम से कोप अप कर सकते हो बट जस्ट दैट यू नीड टू डू इट Like right away, you cannot wait for January end happening. Right, that's also uh, something which will be wrong because since it will be your first paper, you need to understand that first paper is always something that needs extra effort because aap pehla apna actual paper doge, you cannot compare, is it? सेकेंडली आपके लिए एवरी थिंग विल बी न्यू रीडिंग रीडिंग योर टेबल बुक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने ऑलरेडी यूज कर रखा है इन योर एसेज सो नॉट वेरी न्यू फॉर यू बट स्टिल काफी नोटेशन नए होंगे आपके लिए सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी न्यू टू यू सो यू नीड टू टेक इट इन वेरी नाइसली राइट सो आई फील दैट सी एम वन कैन बी अ गुड स्टार्ट इफ यू फील नो आई वॉन्ट टू गो फॉर अ शॉर्ट पेपर इससे थोड़ा छोटा ही है सो गो फॉर सी एस वन नो वरीज इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट देन ओनली यू कैन गो फॉर टू पेपर दिस इज वॉट आई फील राइट सो दिस इज द इंटायर वे अहेड मे के बाद सीधा एग्जाम नवम्बर में है यू हैव अव एन एज दैट यू हैव क्लियर योर एग्जाम इन डिसम्बर

सो दिस इज़ द वे अ हैड जर्नी अड सबसे पहला स्टेप टू टेक द मेम्बरशिप विच यू हैव टू डू इट टूडे ऑल्सो कर लो कल कर लो जब भी बट मेक श्योर यू डू इट बाई दिस वीकेंड ऐसा कुछ वैलिडिटी नहीं है एसेड का वैलडिटी थ्री ईयर्स का होता है सो इफ यू हे अप्यड फॉर एसेट इन डिसम्बर ट्वेंटी थ्री क्लियरडेड तो उसका थ्री ईयर्स तक वैलिडिटी रहेगा आप थ्री ईयर्स तक कभी भी मेम्बरशिप ले सकते हो बट हमें क्यों करना है हमने एसेड दिया है ताकि हम मे ट्वेंटी फोर में एग्जाम दे पाएं तो अगर आप मे 24 में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको आज ही मेंबरशिप लेना पड़ेगा क्योंकि मेंबरशिप का भी प्रोसेस काफी लंबा जाता है टू वीक्स का जाता है एंड कुछ लोगों ने कभी कुछ कलर डाल दिया सम डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड दे विल अगेन आस्क यू टू रीअपलोड सो दैट प्रोसेस जनरली सम पीपल सो वी नीड टू डोंट स्ट्रेच दैट प्रोसेस एंड नीड टू गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल राइट सो This was all of it. What you need to do after your ACET. If you all have any further doubts, you can just put ask me in the group. I will be ready to help. And those who haven't started preparing yet, then please start as soon as possible because May, you should not miss the May attempt. Okay. All right. Thank you.